हमारे साथ रवि त्रिपाठी माफ कीजिएगा जुड़े हुए हैं। रवि, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, एक अपडेट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि राहुल गांधी इस बैठक में नहीं आए हैं। जो खबर मिल रही है अभी तक प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है, राहुल गांधी इस बैठक में नहीं आए। आखिर क्यों नहीं आए? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बताना चाहूँगा, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो सबसे आखिर में आए हैं, और आखिर में आने के का मतलब उनको मनाने की कोशिश की गई है यहाँ बैठक में आने के लिए, नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए। क्या वजह है? क्योंकि सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी, प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई थी, बावजूद इसके राहुल गांधी इस बैठक में नहीं आए हैं। इस बात को लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी नाराज हैं इस वजह से नहीं आए हैं, या फिर उन पर ये आरोप है सबसे फ्री होंगे तभी वो बैठकों में आना शुरू करेंगे, या किसे अभी राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है इस वजह से नहीं आए हैं। तमाम सारी बातें की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जो बैठक चल रही है। आपको बताना चाहूंगा, इस अभी कैमरामैन की लाइन भी लगी हुई है सब तस्वीर लेने जाने के लिए, तो राहुल गांधी इस बैठक में नहीं आए हैं। तमाम सीनियर नेता जो पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी के और भी नेता हैं, चाहे तो आप अभी देखा हमने कि अधीर रंजन चौधरी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, रवि हम तस्वीर देख रहे हैं, रवि तस्वीर हमारे पास आ गई, हम तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आप बिटवीन द लाइन रीड कर रहे हैं बहुत बड़ा है, मुझे दूर से देखकर लग रहा था, मैं काफी 7-8 फीट के डिस्टेंस से ये देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अंबिका सोनी के बगल में सफेद कुर्ते पजामे में राहुल गांधी बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी बैठक में नहीं है। अब से एक घंटे ठीक पहले राहुल गांधी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब हारे थे तब भी वो नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था मुझे मिसगाइड किया गया, मैं नहीं आऊंगा, आप भी इस्तीफा दीजिए, मैं भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यहां पर क्या राहुल नाराज है? उनको फिर से लगता है उनको मिसगाइड किया गया है? क्योंकि ये लव जलाने की कोशिश अनुराग ठाकुर ने करी है ये कहते हुए कि भाई राहुल गांधी को जानबूझ के शहीद होने दिया कांग्रेस के बैटरी ऑफ लायर्स ने, यानी कांग्रेस के एक दर्जन जाने माने लॉयर्स। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि जब पवन खेड़ा के लिए तुरंत वकील पहुंच सकता था तो उनके लिए क्यों नहीं, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाई कि कांग्रेस में क्या ये सोची समझी साजिश थी। और इस पर रवि आपसे भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्या वजह लगती है राहुल क्यों नदारद इस बैठक से, उन्हीं पर मंथन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जानकारी में कल से ही था कि राहुल गांधी नाराज हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले को डील किया गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी, इस बात के लिए अलर्ट नहीं थे, क्योंकि आप वहां भी गौर करें तो जो वकील गए थे उस कोर्ट में वो लोकल वहां के आसपास के वकील ही गए थे। अगर पूरी तैयारी रहती तो किसी न किसी सीनियर वकील को लेकर दिल्ली से जाया जाता, इसकी तैयारी के साथ जाया जाता, तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, वकीलों की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी इस बात की नाराजगी राहुल गांधी को है, और जो नेता वहां थे उनके साथ वो इस बात का कहीं ना कहीं इसको कंफर्म कर रहे थे कि राहुल गांधी नाराज दिख रहे थे उनके बातों से, उनके बयानों से। हालांकि चेहरे पर दिल्ली आने के बाद वो एक हंसी दिखा रहे थे, जो हंसी दिखानी होती है चेहरे पे कैमरे पे वो दिखा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के मन में नाराजगी है। और इसी वजह से कल भी सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी, वकील के नाते अभिषेक मनु सिंह भी गए थे, जयराम रमेश वहां गए थे, और तमाम नेता गए थे। और आज भी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के जाने के बाद भी अगर राहुल गांधी बैठक में नहीं आते हैं पार्टी की बैठक में, क्योंकि अब रोड मैप जो करना पॉलिटिकल लड़ाई का वो राहुल गांधी के लिए, अभी देखिए हुड्डा जो मुख्यमंत्री है उनके बेटे हैं और वो अभी पहुंचे हैं, तो तमाम नेता पहुंचे हैं, लेकिन जिसका इंतजार है वही नहीं आए जो कहा जा सकता है। और जहां तक अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखिए राजनीति में कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो आखिरी चीज है भेद करना, भेद लगाना, यानी रवि एक मिनट रुक जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे होता है ना राहुल गांधी किस तरफ जाएंगे ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं 20 साल से राहुल गांधी को देख रहा हूँ, 2003 से जब वो 4 में जब वो पहली बार अपनी बहन के साथ रोड शो निकालते हुए अमेठी के अंदर पर्चा भरने गए थे। मल्लिका, ये देखिए अनुराग ठाकुर की बाइट सुनवाइए, बताइए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर ने एक सवाल ये कहा था कि क्या ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस में कौन है जो राहुल से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना सॉ इट कमिंग, इतने वरिष्ठ वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो लीगल मैटर्स के जानकार है, क्यों किसी ने बहुत बड़े जानकार रहते जानकारी नहीं है इस चीज को, इस सिचुएशन को नहीं भापा, कितना गंभीर ये मामला था, सुनाते हैं आपको अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में, तो देखी थी राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी,
क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? Z News.